परिचय परीक्षा का समय है बैन गणित को दोहरा रहा है आज उसने दोहराने के लिए जिस विषय को चुना है वह है चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना मित्रों हम संख्याओं को जोड़ने और घटाने के बारे में जानते हैं आइए बैन के साथ चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखें आओ सीखें चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना चार अंकों वाली संख्याओं को घटाना अंक रेखा का इस्तेमाल करके योग का अनुमान लगाना घुमावदार स्थानांतरण यानी कर्व्ड शिफ्टिंग के इस्तेमाल से अनुमान लगाना चार अंकों वाली संख्याओं का योग बैन ने जो पहला सवाल चुना है उसमें चार हजार पांच सौ इकतालीस और दो हजार तीन सौ सोलह को जोड़ना है वह इन पंक्तियों में संख्याओं को लिखकर इस सवाल को हल करने की शुरुआत करता है याद है ना कि हम जोड़ने की शुरुआत इकाई से करते हैं तो यहां योग हुआ सात अब आइए दहाई की ओर चलें। चार और एक का योग हुआ पांच इस तरह हम सैकड़ा और हजार वाले अंकों को भी जोड़ते हैं जो संख्याएं हमें मिली वे हैं आठ और छह तो अगर चार हजार पांच सौ इकतालीस और दो हजार तीन सौ सो सोलह को जोड़ें, तो योग आएगा छह हजार आठ सौ सत्तावन रीग्रुपिंग के साथ जोड़ आइए पांच हजार तीन सौ सत्ताईस और तीन हजार दो सौ पैंसठ का योग करते हैं हम शुरुआत करेंगे इकाई को जोड़ने से यह है सात जमा पांच यानी बारह अब दो को नीचे इकाई वाली लाइन में और एक को ऊपर दहाई वाली लाइन में लिखिए अब हम दहाई को जोड़ेंगे दो जमा जमा बराबर है नौ के अब दहाई वाली लाइन में नीचे नौ लिखिए अब हम सैकड़ा का जोड़ करेंगे तीन जमा दो होता है पांच सैकड़ा वाली लाइन में नीचे पांच लिखिए इसी तरह हजार जोड़िए हमें जवाब मिलता है आठ इसलिए पांच हजार तीन सौ सत्ताईस और तीन हजार दो सौ पैंसठ का योग बनता है आठ हजार पांच सौ बयानवे चार अंक वाली संख्याओं को घटाना मित्रों अब बैन संख्याओं को घटाएगा तो आइये तीन हजार दो सौ बारह को छह हजार पांच सौ में से घटाएं संख्याओं को उनके कॉलम में लिखें हम एक वाले कॉलम से घटाना शुरू करेंगे तीन में से दो घटाने पर मिलता है एक अब घटाइए दहाइया चार में से एक घटाएंगे तो मिलेगा तीन इसी तरह सैकड़ा और हजार को घटाइए पांच में से दो घटाएंगे तो तीन बचेगा और छह में से तीन घटाएंगे तो तीन बचेगा तो छह हजार पांच सौ तेरालीस में से तीन हजार दो सौ बारह घटाने पर बचता है तीन हजार तीन सौ इकतीस हासिल लेकर घटाना अब समय है हासिल लेकर घटाने का तीन हजार पांच सौ उनचास को छह हजार पांच सौ तेरासी में से घटाइए हम शुरुआत फिर से इकाई वाले कॉलम से करेंगे तीन क्योंकि नौ से कम है इसलिए हम आठ से एक दहाई हासिल के रूप में उधार लेंगे इस तरह तीन बन जाएगा तेरह और आठ बन जाएगा सात अगर तेरह में से नौ घटाएंगे तो हमें मिलते हैं चार अब दहाई घटाएं सात में से चार घटाने पर मिलेगा तीन इसी तरह अब हम सैकड़ा घटाएंगे पांच में से पांच घटाने पर शून्य मिलता है अब हजार घटाइए छ में से तीन घटाने पर तीन मिलेगा तो अगर छह हजार पांच सौ तेरासी में से तीन हजार पांच सौ उनचास घटाएं तो ये होगा तीन हजार चौतीस अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना आइए अब कुछ मजेदार करते हैं स्क्रीन पर आपको शून्य से दस तक एक अंक रेखा नजर आ रही होगी क्या आप इस लाइन पर पांच की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं जी हाँ ये इस लाइन के बीच में होगा संख्या तीन की स्थिति शून्य और पांच के बीच होगी और संख्या सात पांच और दस के बीच होगी आइए तीन और छ को जोड़ते हैं तीन और छ को जोड़कर हमें मिलता है नौ और नौ की स्थिति दस के नजदीक होगी आइए अब शून्य से सौ तक की एक बड़ी अंक रेखा को लेते हैं क्या आप इस लाइन पर संख्या 20 की पोजीशन का अनुमान लगा सकते हैं ये शून्य के नजदीक होगी या सौ के जी हां यह शून्य के नजदीक होगी और संख्या सत्तर की पोजीशन कहां होगी जी हां सत्तर सौ के नजदीक होगी अगर हम बीस को सत्तर में से घटाएं तो हमें मिलेगा पचास और पचास की स्थिति लाइन के बीच में होगी हमने क्या चर्चा की चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना चार अंकों वाली संख्याओं को घटाना अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना